टाटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। इसके चांसेस बहुत कम हैं कि आप सोशल मीडिया पर हों और ये वीडियो अब तक आपके पास ना आया हो। वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने आटे की कीमत किलो में नहीं लीटर में बताई। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली का ये वीडियो शेयर हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। रैली में राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। वायरल वीडियो उनके इसी भाषण का एक छोटा सा हिस्सा है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने भाषण देते वक्त आटे की कीमत लीटर में ज़रूर बोली थी, लेकिन उसके अगले ही पल अपनी बात को करेक्ट भी राहुल ने किया था। अब ये देखिए। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, राहुल गांधी देश में खाने पीने की चीज़ों की लगातार बढ़ रही कीमतों पर बात कर रहे थे। इस दौरान वो कई चीज़ों के 2014 के दाम और वर्तमान में बढ़ चुके दामों के बारे में बता रहे थे। ऐसा ही आटे की बढ़ी हुई कीमत भी उन्होंने बताई, तो किलो की जगह लीटर बोला, लेकिन फिर सुधार किया। लेकिन सोशल मीडिया पर कई वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स से वीडियो को राहुल की गलती की तरह नहीं बल्कि इस नैरेटिव के साथ शेयर किया जा रहा है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि आटा किलो के हिसाब से बिकता है या लीटर से, जो कि सच नहीं है, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल ने बिना किसी के टोके गलती को सुधारा भी था। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी अधूरे वीडियो के जरिए फैलाए गए किसी नैरेटिव का शिकार हुए हैं। और याद रखिए, ऐसे मामले में शिकार सिर्फ राहुल गांधी या वो XYZ नहीं होता जिसका वीडियो वायरल हुआ है, शिकार वो भी होता है जो अधूरे वीडियो के जरिए फैलाए जा रहे नैरेटिव को सच मान लेता है। इस जाल में फंसने से आप बचें, इसके लिए क्विंट की वेबकूफ टीम ऐसे दावों की पड़ताल करती है और सच आप तक पहुंचाती है। अगर आप भी ऐसे किसी दावे का सच जानना चाहते हैं तो पड़ताल के लिए हमें भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9643651818 या फिर मेल ID webkoof@thequint.com पर। तब तक हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज को पढ़ने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर वेबकूफ और क्विंट हिंदी को फॉलो करें। और हाँ, वेबकूफ ना बनें।